आज सुबह के समय परमेश्वर के संगति में एक बार मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर के वचनों से ध्यान करके कलीसिया के बारे में, कलीसिया के नामीकरण के बारे में हम लोग ध्यान करके आ रहे थे। कलीसिया के सदस्यों को पांच रीति का नामीकरण के बारे में हम लोग देख रहे थे। पहला वाला चेले, दूसरा वाला विश्वासी, तीसरे वाले संगति, चौथा वाला भक्त, पांचवा वाला क्रिश्चियन मसीह। ये पांच प्रयोग कलीसिया के सदस्यों के बारे में लिखा गया, जैसे हम लोग देख सकते हैं। आज हम देख लेंगे कि कलीसिया की शुरुआत कब हुई, नहीं तो कलीसिया कब स्थापना किया गया, नहीं तो उसका शुरुआत कब किया गया। इसलिए एक चीज़ हमें मालूम करना चाहिए, कलीसिया जो है वो परमेश्वर का एक परमेश्वर का हृदय है, नहीं तो परमेश्वर का निर्णय है, नहीं तो परमेश्वर का अनादि के लिए बनाया हुआ एक एक चैनल है कलीसिया। वो कह सकते हैं जैसे एक शरीर में हृदय जैसा केंद्रित वाला चीज है, वैसे ही परमेश्वर के हृदय में रुका वाला एक चीज है कलीसिया। उस चीज के बारे में बाइबल बताता है, जैसे आदम को परमेश्वर ने जैसा सृष्टि किया और आदम को परमेश्वर ने जिस तरीके से बनाया और आदम के अंदर को हवा को परमेश्वर ने कैसा छुपा के रखा, वैसे यीशु मसीह के अंदर कलीसिया छिपी थी। आदम को परमेश्वर ने क्या किया, एक नींद देकर आदम को क्या कर दिया, उसके शरीर के अंदर से हवा को जैसे निकाला, वैसे ही यीशु मसीह की क्रूसार्पण के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह का मौत जो है वो एक निद्रा जाने वाली एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के द्वारा क्या हुआ, कलीसिया की शुरुआत बाहर निकल आई, नहीं तो कलीसिया बाहर निकल आ सका। हेलो, इसलिए कलीसिया जो है वो परमेश्वर के हृदय की गहराई का एक चीज है। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर कलीसिया के क्या है, मुख्य है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। तो परमेश्वर से ही सब कुछ क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। इसीलिए पहली कोरिंथिया उसकी 15वां अध्याय उसकी 45 और 48 अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, पहली कोरिंथिया 15वां अध्याय उसकी 45 और 48। यस, देखो पहला आदम कौन था, जो वाटिका में परमेश्वर ने सृष्टि किया वो। आखिरी वाला आदम कौन है, वो यीशु मसीह है। हेलो, इसलिए कलीसिया का शुरुआत किसी से हुआ है, यीशु मसीह से हुआ है, अंतिम आदम। पहले आदम से जैसे शुरुआत हुई, वैसे अंतिम आदम से कलीसिया की क्या हुई, स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्यों, यहां पे बताया गया पहली मनुष्य कौन है, आदम है, वो एक जीवित प्राणी था, मगर आखिरी आदम वो कौन है, यीशु मसीह। वो कौन है, आत्मा द्वार, आत्मा देने वाला, लाइफ गिविंग स्पिरिट। कैसे हिंदी में कैसे बताया गया है, आखिरी आदम, जीवनदायक आत्मा, कौन, यीशु मसीह। नहीं तो उसका अर्थ क्या है, मतलब रिस्टोरिंग द डेड टू द लाइफ, उसका मतलब मरा हुआ एक व्यक्ति को जीवन में पुनर्स्थापित करना। हेलो, मरने के लिए तैयार हुआ एक व्यक्ति को जीवन में रिस्टोर करने वाला एक हिस्सा बन गया, किसका, यीशु मसीह का। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है उसकी मरी स्थिति को, उसकी पापमय स्थिति को परमेश्वर परिवर्तन करके जीवनदायक स्थिति में ला सकता है।
इसीलिए यीशु मसीह कौन बना? आखिरी आदम बना। पहली आदम के द्वारा जो कुछ नष्ट हुआ, आखिरी आदम के द्वारा वो सब कुछ हासिल करके हमें कलीसिया के अंदर योगदान करके रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? कलीसिया की स्थापना की। नहीं तो कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बाहर निकलवाया। समझ रहे हो? पहली आदम के द्वारा वाटिका से निकाल दिया गया, मगर आखिरी आदम के द्वारा वाटिका के अंदर, ने वाटिका के अंदर मतलब क्या, कलीसिया के अंदर प्रवेश होने के लिए हमारे लिए एक रास्ता खुल गया, वो यीशु मसीह से हमें मिल रहा है। आखिरी आदम यीशु मसीह है, द फर्स्ट एंड द लास्ट। हेलो, पहला और आखिरी। अभी उसका 48 एक बार पढ़ के देखते हैं। 48 हाँ, हेलो, पहला आदम कहाँ का था? मिट्टी का था। ही बिलोंग्स टू द अर्थ, नहीं तो अर्थली, नहीं तो मेड ऑफ मड, मेड ऑफ डस्ट। मगर आखिरी आखिरी मनुष्य, नहीं तो दूसरा मनुष्य, वो कौन है? यीशु मसीह। वो कहां के हैं? स्वर्गीय। अगर यीशु मसीह स्वर्गीय है तो कलीसिया भी हमें स्वर्गीय तत्व में ले जाने की सहायता दिलवा सकती है। वो एक ओपनिंग है। इसलिए कलीसिया क्या है? परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का अनादि का संकल्प है। हेलो, हम सब आदम के द्वारा जन्मी हैं, मगर यीशु मसीह के द्वारा जन्म होने के द्वारा हमें क्या मिलती है? अनादि में प्रवेश होने के लिए, अनादि में भाग पाने के लिए। नहीं तो कलीसिया के अंदर योग्यदान पाकर परमेश्वर से जुड़ित होकर ये अनंत जीवन कालीन जीवन के लिए समर्पण करने के लिए, नहीं तो अनंत जीवन का भाग्यवान बनने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें सहायता दे लेते। जैसे हम पहली मनुष्य आदम के समान थे, वही सब आदम, आदम्य पहचान पाकर जन्म हुआ सब व्यक्ति, दूसरा आदम जो है यीशु मसीह, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। इट्स वेरी रिक्वायर्ड थिंग। कोई भी यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं कर सकते। नोबडी कैन रिजेक्ट जीसस। इफ यू रिजेक्ट जीसस, you are indirectly rejecting the Adamic profile. अगर यीशु मसीह को एक व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है, नहीं तो यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं काट रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपना पारिवारिक गुण, जो आदामिक पारिवारिक गुण है, उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को, परमेश्वर के प्लानिंग को वो ठोक मार रहा है। He's kicking the plan of God. हेलो, तो मेरे बोलने का मतलब है, पहले आदम के द्वारा जो कुछ नष्ट हुआ, आखिरी आदम, नहीं तो आत्मिक आदम जो यीशु मसीह है, उनके द्वारा हमें लाभ मिलता है। वो हमें कहां पे मिलता है? यीशु मसीह के क्रूसार्पण के द्वारा हमें मिलता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह कहने वाले एक वचन है, मत्ती लिखित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। देखो वहां यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, पतरस तू कौन है? पतरस को बोल रहे हैं, क्यों? पतरस को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसी उस अध्याय में अगर देख सकते हैं, पतरस ने यीशु मसीह की वर्णन कही कि वो कौन है? परमेश्वर का एकमात्र पुत्र, नहीं तो मसीह, अभिषिक्त,
उसके बारे में विवरण देते वक्त परमेश्वर पत्रस को एक इंफॉर्मेशन दे रहे कि पत्रस मैं कलीसिया बनाना चाहता हूं। तो उस कलीसिया की स्थापना पत्रस के ऊपर नहीं बल्कि किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि पत्रस के ऊपर कलीसिया बने। नो, पत्रस के ऊपर नहीं, यीशु मसीह के ऊपर। पत्रस का मतलब क्या है? छोटा पत्थर। छोटे पत्थर के ऊपर कुछ बना सकते हैं क्या? नहीं, बड़े पत्थर की जरूरत है। अगर बड़े पत्थर है तो उसको तोड़ के, नहीं तो उसको शेप करके हम क्या कर सकते हैं? घर बना सकते हैं। छोटे पत्थर से कुछ काम नहीं हो सकती है। इसीलिए पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। अभी फिर से पढ़ो 18वां वचन। मैं भी तुझसे कहता हूं तू पत्रस है। मैं इस पत्थर, मतलब किसके बारे में बोल रहा है? वो यीशु मसीह को दिखा के बोल रहे हैं। यीशु मसीह खुद अपने, मैं इस पत्थर को, यीशु मसीह बोलकर कहा गया, इस पत्थर को उपयोग करूंगा। क्या? काय के लिए? कलीसिया बनाने के लिए। टू बिल्ड माई चर्च। माई चर्च मतलब किसका? परमेश्वर। कलीसिया परमेश्वर का है। बिल्ड मतलब बनाना। बनाना उसका अर्थ क्या है? बनाया गया या बनाया जाएगा? बनाया गया या बनाया जाएगा? बनाया जाएगा। तो उसका अर्थ क्या है? कलीसिया की स्थापना हुई नहीं है। क्लियर हो रही है? पुरातन नियम में कह कलीसिया की एक क्या, एक पहचान दिखाई देता है, एक रेवलेशन दिखाई देता है। समझ रहे हो? नया नियम में यीशु मसीह के जन्म के बाद, नहीं तो यीशु मसीह के मौत के बाद, नहीं तो यीशु मसीह के बोलने का यह अर्थ यह है कि यीशु मसीह ही है कलीसिया का स्टार्टिंग पर्सन। आई विल बिल्ड माई चर्च। कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। तुम कलीसिया किसका भी नाम लेके रखो, किसी भी नाम का भी रखो, कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर बनाने वाला है। समझ रहे हो? इसीलिए वहां पे क्या बताया गया कि अधोलोक, हाँ एक बार पढ़ो, कलीसिया, हाँ हेलो, अधोलोक की फाटक उस पर क्या नहीं होंगे? प्रबल ना होंगे। अधोलोक का फाटक मतलब मौत। मौत कभी भी उसको पावर अप नहीं करेगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? तू अगर मर भी जाएगा, अगर तू कलीसिया के अंदर योग्यदान पाया हुआ एक व्यक्ति है, तो तेरे को सुनिश्चित एक क्या है? रिजरेक्शन है। देयर इज अ रिजरेक्शन ऑफ कोर्स श्योर फॉर यू। तो इसीलिए क्या मिलती है? यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद ही कलीसिया की स्थापना हुई है। ओनली आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ जीसस द चर्च गॉट इट्स स्टार्टिंग एस्टैब्लिशमेंट। हेलो, अगर यीशु मसीह मरेंगे नहीं, मरकर जी उठेंगे नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं कि मेरा भी जीवन वैसा ही होगा? बाकी सब लोग मरे मगर कोई जी उठा नहीं, यीशु मसीह जी उठा। क्यों? ताकि वर्णन बताने के लिए कि तू मसीहा में आकर, कलीसिया में योग्यदान पाकर, तू भी अगर मर भी जाता है, सुनिश्चित तेरे लिए एक रिजरेक्शन रेडी है। देयर इज अ रिजरेक्शन रेडी फॉर यू। हेलो, इसलिए पौलुस कहता क्या है? अगर पुनरुत्थान नहीं है तो कुछ है ही नहीं। इफ देयर इज नो रिजरेक्शन देयर इज नथिंग। तो कलीसिया का शुरुआत कब हुआ? यीशु मसीह के इस धरती के आने के बाद। इसलिए यीशु मसीह खुद
कलीसिया के बारे में मत लिखे सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां वचन में बोल रहे, मैं मेरी कलीसिया को मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा, कोई भी उसका विरुद्ध क्या नहीं होगा, खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में भी कलीसिया की स्थापना हुई है। नहीं, पुराने नियम में कभी भी कलीसिया की स्थापना नहीं हुए, जस्ट कलीसिया की एक पहचान दिखाया गया, एक पिक्चर बताया गया, एक रेवलेशन को रिवील करके दिया गया, ताकि भविष्य में यीशु मसीह के आने के बाद कलीसिया की स्थापना होगी। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे प्रयोग करके बोल रहे हैं, यीशु मसीह का है कलीसिया, और यीशु मसीह खुद कलीसिया को बनाते हैं, और यीशु मसीह का ही है कलीसिया, किसी और का नहीं। ओके, इसीलिए यीशु मसीह को खुद क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब प्रेरितों का किताब पहली अध्याय उसकी 15वां वचन को पढ़ते हैं, द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1:15। देखो उधर क्या बताया गया है, कलीसिया बताया गया क्या, नहीं क्या बताया गया है, गैदरिंग, भाइयों के बीच, ब्रदर्स गैदरिंग बोल सकते हैं ना, भाइयों का मिलन, नहीं तो भाइयों का संघ, वही प्रयोग है ना, वो 15वां वचन का अर्थ। एक और बार पढ़ के देखो, उन्हीं दिनों में पत्रस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, वो कितने लोग थे, 120 लोग थे, कितने लोग थे, 120, वो एक गैदरिंग था, चर्च नहीं था, गैदरिंग, क्लियर है, 120 की गैदरिंग। तब पत्रस उन गैदरिंग के बीच में खड़े होकर क्या किया, हाँ, माने ये कब हो रहा है, यीशु मसीह के स्वर्गहरण के बाद। अभी प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में क्या होता है, पवित्र आत्मा की उत्तर आने के बाद तब कलीसिया के बारे में बताया गया, 47 पढ़ो, 2 अध्याय 47। किनमें मिला देता था, उनमें मिला देता था, उनमें मतलब उस गैदरिंग में मिला देता था। हेलो हेलो, जो कोई उधारी पा रहे थे उन लोगों को, समझ रहे हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस हु वेर बीइंग सेव्ड दे वेर बीइंग एडेड, नहीं तो परमेश्वर उनको क्या कर रहे थे, मिला रहे थे, क्यों, कलीसिया किसकी है, परमेश्वर की है, कलीसिया को कौन बना रहा है, परमेश्वर बना रहा है, कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति को कौन मिलाना चाहिए, परमेश्वर मिलाना चाहिए, मैं तुम्हें कभी कलीसिया में नहीं मिला सकता, हेलो 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 हेलो, कोई मनुष्य किसी को कलीसिया में मिला नहीं सकता, यह काम किसका है, परमेश्वर का है, इट्स अ प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परमेश्वर। हेलो, समझ में आ रही है, काम किसका है, परमेश्वर का है, सब कलीसिया किसका है, परमेश्वर का है, परमेश्वर को खुद क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का जब है, कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है, तो उसमें जोड़ने का काम भी किसका है, खुद परमेश्वर का, कोई और उसमें उसमें क्या नहीं कर सकता, मिला नहीं सकता। हेलो, इसलिए आज सुबह के समय समझने के बाद परमेश्वर खुद कलीसिया के अंदर लोगों को क्या करता है, मिलाता है। मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू बी सेव्ड। अगर तुम सेव्ड नहीं हो तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी क्या नहीं करेंगे। हेलो, कभी भी तुम्हें क्या नहीं करेंगे,
अगर तुम सेव्ड नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेव्ड, द लॉर्ड कैनॉट एड यू. समझ रहे हो मेरी बात? एक और बार उसका दूसरा अध्याय 47 पढ़ के देखते हैं. कहाँ मिला देता था? एडेड. हिंदी में वो अच्छा करेक्ट नहीं है, इंग्लिश में देखो. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily. Added to the church daily, such as should be saved. Hello, देखा ना? जो कोई उधारी पा रहा था उनको परमेश्वर मिला रहे थे. इसलिए प्रेरितों का किताब दूसरा अध्याय 47, पवित्र आत्मा के उतर आने के बाद ही कलीसिया की स्थापना हुई. हेलो. इसलिए कलीसिया में एक व्यक्ति को योग्यदान पाने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए. एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की शक्ति की सहायता चाहिए. पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु बोलकर नहीं बुला सकता. तो पवित्र आत्मा की शक्ति के सहाय के द्वारा एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया. यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा वो पिता परमेश्वर को भी एक्सेप्टेड हो गया. तो जब पिता परमेश्वर को भी एक्सेप्टेड जब हो गया, तो परमेश्वर का फर्ज बनता है उसे क्या करना? कलीसिया में एडप्ट करना. इसीलिए कलीसिया की स्थापक कौन है? खुद परमेश्वर है. कलीसिया को बनाने वाला कौन है? खुद परमेश्वर है. कलीसिया में लोगों को जुड़ने वाला कौन है? इसीलिए ही नीड टू बी ए पार्ट ऑफ बीइंग सैल्वेशन. उद्धारी का एक हिस्सा उसमें जरूरी है. ओके. इसीलिए पहले अध्याय 15वां वचन में जो संघ कहा गया था, ग्रुप कहा गया था, उसको परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा की शक्ति में भरवा कर क्या एक नया पहचान दिलवाया. उसे कलीसिया की नामीकरण दिया गया. इसीलिए बाइबल कहता है कलीसिया की सर कौन है? यीशु मसीह है. कलीसिया अभी पृथ्वी पर है, मगर इसका हेड कहां, सर कहां पे है? हेलो. कलीसिया अभी कहां पे है? पृथ्वी पर है, मगर इसका सर कहां पे है? बोले नहीं, स्वर्ग में. तो सोचो, स्वर्ग में शरीर का एक भाग, शरीर ये पृथ्वी में, दोनों का मिलन है कलीसिया. समझ रहे हो? द यूनियन ऑफ हेवन एंड अर्थ इस चर्च. क्यों हमें कलीसिया के अंदर योगदान की जरूरत है? ताकि अगर एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर उधारी पाकर प्रवेश करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका योग्यता स्वर्गीय तल के द्वारा, नहीं तो स्वर्गीय शरीरीय मस्तक के द्वारा, हेड के द्वारा क्या हो सकता है? ज्वाइन हो सकता है. So, ये प्रूफ बनता है कि कलीसिया की स्थापना परमेश्वर है. कलीसिया यीशु मसीह के आने के बाद, नहीं तो पवित्र आत्मा के उतर आने के बाद ही कलीसिया की स्थापना हुई. वो क्लियर है. हेलो. तो कलीसिया कब तक रहेगी? पहले तिसलोनियों का किताब 4वीं अध्याय उसका 16वां वचन, 1 Thessalonians 4:16-17. Praise you, Jesus. सदा प्रभु के साथ रहेंगे. किसको बताया गया है? जो कोई कलीसिया के अंदर योग्यदान पाया हुआ व्यक्ति है, उनको परमेश्वर क्या करेंगे? हाँ, परमेश्वर के निकट ले जाएंगे. हेलो. कब तक? यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक ही कलीसिया का क्या है? प्रोफाइल है.
हेलो, कलीसिया कब तक, कलीसिया के अंदर कब तक हमें योगदान मिलेगी? जब तक यीशु मसीह की द्वितीय आगमन नहीं होगी तब तक कलीसिया का पॉपुलेशन एडअप नहीं होगा। उसके बाद फिर क्लोज क्या रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। कलीसिया के अंदर उनको क्या नहीं मिलेगी? योग्यता नहीं मिलेगी। तो उससे पहले क्या करो, अपने जीवन को गेट सेव्ड राइट नाउ, अभी ही उद्धारी पालो, कलीसिया के साथ योग्यदान पालो, पवित्र आत्मा के साथ सहवास शुरू करो, वचन के साथ रिश्ता बांट लो, कलीसिया में योग्यदान पालो। परमेश्वर कलीसिया को बनाएंगे, अगर परमेश्वर कलीसिया को बनाएंगे कलीसिया के सदस्यों को भी परमेश्वर बनाएंगे। अगर कलीसिया परमेश्वर का है कलीसिया के सदस्य भी परमेश्वर के बनेंगे। अगर कलीसिया के विरुद्ध कोई नहीं आ सकता तो परमेश्वर खुद उसको संरक्षण दे सकते हैं। कलीसिया में तेरे को सिक्योरिटी है, इट्स फॉर श्योर। इसीलिए कलीसिया को बोलने के लिए एक मैसेज है कि यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट हो गई है। देयर इज अ रैप्चर गेटिंग रेडी, एक स्वर्गीय उत्थान के लिए सब कुछ प्रस्तुत हो रहा है। इसीलिए कलीसिया को क्या करना है, गेट रेडी विथ योर इक्विपमेंट्स, तुम्हारे सब चीजों से, औजारों से तुम इक्विप बनकर रहो। There is a resurrection going to happen. एक पुनरुत्थान होने का समय होने वाला है। Be ready for it. उसके लिए तुम क्या करो, रेडी बनो। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, कलीसिया का शुरुआत यीशु मसीह है, कलीसिया का शुरुआत परमेश्वर से हुआ, कलीसिया परमेश्वर का है, परमेश्वर खुद ही कलीसिया में लोगों को क्या करता है, ऐड करता है। किसको? Those who are being saved, जो कोई उद्धारी पाए हैं उन्हें। अगर उद्धारी पाकर उद्धारी से अलग हो गए तो क्या होगा? हाँ, कलीसिया से rejected, जो परमेश्वर तुम्हें accept किया है वही परमेश्वर तुम्हें क्या कर देगा, निकाल देगा, उसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। आया ना, पुराने नियम में व्यवस्था में देख सकते हैं, मिलाप वाली तंबू में आराधना करते वक्त अगर किसी के अंदर कुष्ठ दिखाई देता था उनको क्या किया जाता था, अच्छी तरीके से चेक करवा के उसको क्या कर दिया था, आउट, बाहर। हाँ, खाना नहीं, सप्लाई नहीं, कुछ नहीं, आउट। लोगों के कंपनी से उसे क्या कर दिया, पूरा अलग करके रख दिया। क्यों? उसको किसकी जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत। ही नीड्स ए प्यूरिफिकेशन इन लाइफ सोल एंड बॉडी, शरीर प्राण आत्मा में किसकी जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। कलीसिया काय के लिए रखा है? हाँ, हमें शुद्धिकरण दिलाने के लिए। कलीसिया में कौन, कलीसिया किसका है, कलीसिया किसको, किसने बनाया, कलीसिया में योगदान कौन दे रहा है? तो कलीसिया बढ़ाने की कोशिश भी कौन करना चाहिए, खुद परमेश्वर। इसीलिए प्रेरितों का किताब दूसरा अध्याय में देख सकते हैं, कलीसिया का ड्वेलिंग पवित्र आत्मा से, कलीसिया के सदस्य पवित्र आत्मा में भरे पड़े थे। क्यों? वो त्रित्व है, इट्स अ थर्ड प्रोफाइल ऑफ गॉडहुड, परमेश्वर के तत्व में तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा की है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रुककर हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप को कायम रखता है। हेलो, इसलिए बाइबल कहती है जब 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 कलीसिया मिलकर आई तब तब पवित्र आत्मा उनके बीच में क्या किया, उतर आया। हेलो, ऐसा है तो कलीसिया किसका है, परमेश्वर का है। कलीसिया को में लोगों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। तो कलीसिया के अंदर का, कलीसिया के ऊपर क्या करना, पवित्र आत्मा की छाता ढकनी चाहिए। देयर शुड बी एन अम्ब्रेला विच शुड बी कवरिंग द कंप्लीट चर्च। वही ना, प्रेरितों का किताब दूसरे अध्याय में देख सकते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति कलीसिया के सदस्यों के अंदर भर पड़ा। कलीसिया के अंदर ही नहीं, व्यक्तियों के अंदर भी भरकर वो लोग के अंदर क्या हुआ, परिपूर्णता के, देयर वाज अ फुलनेस। हेलो, वो है
कलीसिया की शुरुआत। अभी हम देखेंगे कलीसिया का फाउंडेशन क्या है, व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ कलीसिया। पहली कोरिंथिया पहला अध्याय उसकी 21 and 23 फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 23 and 24। Yes. Yes. देखा ना, क्या यूनानी क्या ग्रीक, इंग्लिश में क्या बताए, बट टू दोस हु आर कॉल्ड, जिन्हों को परमेश्वर ने बुलाया है, वो जो कोई हिस्से में हो, यूनानी हो ग्रीक हो, आइदर ही इज अ ज्यू और ही इज अ जेंटाइल, विजाति हो स्वजाति हो, यहूदी हो विजाति हो, जो कोई भी हो, ही शुड बी इन क्राइस्ट। मस क्या आखिरी में क्या है, मसीही उनके लिए, किनके लिए, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ी थे उनको, मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हेलो, द पावर एंड विजडम ऑफ गॉड। हेलो 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 हेलो, ये किसको बताया जा रहा है, कोरिंथिया के संग विश्वासियों को बताया जा रहा है, क्योंकि लोग यीशु मसीह को क्या नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसका 18वां वचन अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, देखो कितने लोगों के लिए क्रूस की जो सुसमाचार है मूर्खता जब हो रही है, मगर जो कोई उद्धारी पाया हुआ है उनके लिए इट्स अ पावर ऑफ गॉड। किसके लिए, जो कोई क्रूस की मैसेज सुनता है, whoever receives the message of cross they receive the power of God। कौन सा पावर, supernatural power of God, manifestation of the great spiritual power, आत्मिक पावर। हेलो, क्यों, वो पावर जिसके ऊपर गिर पड़ा है वो बुलाया हुआ व्यक्ति है, ही इज ए पर्सन हु इज बीन कॉल्ड। तो फाउंडेशन किसकी है, यीशु मसीह की है। उस फाउंडेशन पर हमें क्या करना चाहिए, बने रहना है। हेलो, उस फाउंडेशन, इसलिए ना मत्ती 16:18 में क्या, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, बनाऊंगा। अरे एक बिल्डिंग बनाना है तो उसका नीचे क्या चाहिए, फाउंडेशन। एक पेड़ खड़ा होना है तो उसके नीचे क्या चाहिए, रूट, रूट फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन नहीं है कभी भी एक घर खड़ा नहीं हो सकता। इफ देयर इज नो फाउंडेशन ए बिल्डिंग कैन नॉट स्टैंड। तो कलीसिया को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो पहले फाउंडेशन डालने के बाद ही क्या करते हैं, ऊपरी हिस्सा को बनाते हैं, इसीलिए निचली वाली हिस्सा किसी को मालूम नहीं है। लोग किस चीज को देखते हैं, ऊपरी हिस्सा को देखते हैं, आया ना, घर का बाहरी हिस्सा को लोग देखते हैं, निचली वाला हिस्सा को कोई देखता है क्या, नहीं। अगर निचली हिस्सा, इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग ए बिल्डिंग कैन स्टैंड। इसीलिए द फाउंडेशन ऑफ द चर्च इज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ही कलीसिया का फाउंडेशन है, अपॉन हिम द चर्च शुड स्टैंड। पत्रस के ऊपर, इट शुड नॉट बी ऑन पीटर, इट शुड नॉट बी ऑन एनी सेंट, इट शुड नॉट बी ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड नॉट बी ऑन एनीथिंग,
इट शुड बी इन क्राइस्ट, वो मसीह में रहना जरूरी है। अगर मसीह में नहीं है कभी भी एक बिल्डिंग खड़ा नहीं है। इफ यू आर नॉट इन क्राइस्ट यू कैनॉट स्टैंड। एक पेड़ अगर रूट नहीं बना सकता तो कभी भी उसको पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी। इफ ए ट्री डस नॉट हैव ए रूट इट कैनॉट रिसीव वाटर, इट कैनॉट मेक द बॉडी टू स्टैंड। उसकी डालियों को कभी भी वो खड़ा करके नहीं रख सकता। सो बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह के फाउंडेशन पर बनाओ। हेलो, इसलिए पौलुस क्या कर रहा है कुरिन्थियों की मंडली को, कलीसिया को बोल रहा है, गेट द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के पावर पाओ। द मैसेज ऑफ क्रॉस इज फॉर द पावर ऑफ गॉड। सूली की जो वाणी, द मैसेज दैट बिलोंग टू द क्रॉस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य की एक मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन है। हेलो, इसलिए उसकी 25वां वचन क्या बताया गया, देखो, हाँ, देखो परमेश्वर का बल थोड़ा देखो मनुष्यों के बल से भी अधिक है। अरे एक मनुष्य एक घर बनाता है तो कितना दिन रहता है, 100 साल भी गारंटी नहीं, 100 साल क्या, 25 साल की गारंटी दे सकता है क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर, LNT सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट बोल देता है कि हाँ सालों सालों तक रखेगा, कौन सा बंगला कौन सा घर सालों सालों तक दिखा है, कोई सीमेंट काम नहीं देगा, वाटर फूलिशनेस है। अगर परमेश्वर कुछ बना के फाउंडेशन रख कर खड़ा किए हैं तो वो कभी भी हिल नहीं सकता, वो कभी भी टूट नहीं सकता। इफ गॉड हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ समथिंग इट विल स्टैंड, नथिंग कैन ब्रेक इट, कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर का जो फाउंडेशन है, परमेश्वर की जो बनावट है, परमेश्वर की जो स्ट्रेंथ है, इट कैन नॉट बी अपॉन द एफर्ट ऑफ मैन, मनुष्य का एफर्ट के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के स्ट्रेंथ के हिसाब से है। दैट्स द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। इसीलिए कलीसिया का फाउंडेशन खुद यीशु मसीह बने, यीशु मसीह के ऊपर कलीसिया बन गया तो कभी भी उसको तोड़वा नहीं जा सकता। इसीलिए डोंट बी ए चर्च ब्रेकर, चर्च को तोड़ने वाला मत बनो, जोड़ने वाला बनो। आज लोगों को हिस्सा बन गया क्या, दे आर रेडी टू ब्रेक द चर्च, कलीसिया को तोड़ने के लिए तैयार है। नो, दैट्स नॉट द प्रोफाइल ऑफ जीसस, यीशु मसीह के प्रोफाइल वो है ही नहीं। परमेश्वर लोगों को कलीसिया में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तोड़ने वाला मनुष्य है, क्यों मनुष्य तोड़ रहा है, क्यों मनुष्य तोड़ रहा है, एक घर को लोग क्यों तोड़ रहे हैं, उसमें क्रैक दिखाई दे रहा है और वो घर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ दिनों में गिरने वाला है, इसीलिए तोड़ने की जरूरत पड़ रहा है। इसीलिए एक चीज आज मैं बोलने के लिए तैयार रहूं, तुम अगर मनुष्य के एफर्ट में कुछ भी बनाया गया चीज है तो वो तोड़ने के लिए लायक बनेगा, मगर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया कुछ चीजों को कभी भी मनुष्य क्या नहीं कर सकेगा, तोड़ नहीं सकेगा। अगर परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर तोड़ सकते हैं, मनुष्य नहीं। सो डोंट बी ए चर्च ब्रेकर, बी ए चर्च मेकर। क्लियर है? तो फाउंडेशन किसकी बनी, मसीहा की, यीशु मसीह की। वो फिर एक बार उसका 25वां वचन 25, हाँ, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से क्या है, हाँ, उसके बाद, हाँ, मनुष्य के
कितना बलवान है। तो परमेश्वर कौन है? बलवान परमेश्वर। गॉड इज ए गॉड ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ। इसलिए पौलुस कहता है, कम बैक टू द मैसेज ऑफ क्रॉस, कम बैक टू द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की शक्ति के सामर्थ्य के निकट वापस आ जाओ। यूनानी क्या, ग्रीक क्या, आइदर यू आर ए ज्यू और ए जेंटाइल, रिसीव द पावर ऑफ गॉड, रिसीव द विजडम ऑफ गॉड। हेलो, इसीलिए 21वां वचन में क्या कहता है, देखो 21 सही, फर्स्ट कोरिंथियंस 1:21। हाँ, और उसके बाद 22वां वचन, देखो ग्रीक वो यहूदी लोग क्या चाहते हैं, अद्भुत कामें चाहते हैं, और अन्य जाति के लोग क्या चाहते हैं, फिलॉसफी। अब 23वां वचन पढ़ो, किसके बारे में प्रचार करते हैं, मसीह यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। हाँ क्यों, हाँ अरे यहूदियों के लिए वो क्या है, ठोकर खाने वाली पत्थर, अन्य जाति के लिए वो क्या है, मूर्खता, नॉनसेंस है। अब 24 पढ़ो, मगर जो को ही बुलाया गया है, जब यहूदियों के लिए वो ठोकर वाला पत्थर है, जब अन्य जाति वालों लोगों के लिए वो जब नॉनसेंस है, मगर जो कोई यीशु मसीह को अंगीकार किया, क्रूस की मैसेज को एक्सेप्ट किया, नहीं तो परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर को, परमेश्वर से खुद को बनाने के लिए अपना जीवन को समर्पण किया, वो बुलाए गए व्यक्ति है। दे आर द पीपल हु आर बीइंग कॉल्ड टू रिसीव द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए। क्यों हम उधारी पा रहे हैं, वाई वी आर बीइंग सेव्ड, ताकि तेरा फाउंडेशन परमेश्वर क्लियर करने के लिए, तुझे फाउंडेशन से परमेश्वर बनाना चाहते हैं। ही वॉन्ट यू टू बी बिल्ट फ्रॉम द फाउंडेशन, नीचे से परमेश्वर तेरे को बना के आना चाहते हैं। इसीलिए निचली वाली हिस्सा है गेटिंग सेव्ड। जो कोई सेव्ड बनता है, जो कोई उधारी पाया है, उसे परमेश्वर क्या करता है, कलीसिया के साथ जुड़ित कर रहे हैं। जब फाउंडेशन स्ट्रांग बन गया, उसे कलीसिया के साथ ऐड अप कर दिया, और वो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर के ज्ञान में दिन बाय दिन, दिन बाय दिन, दिन बाय दिन बढ़ोतरी पाते आएगा। सो दैट नथिंग कैन ब्रेक द फाउंडेशन, कोई भी चीज उसकी फाउंडेशन को तोड़ नहीं सकती। उस हिस्से से परमेश्वर उसका फाउंडेशन को बना के रखे हैं। क्लियर है? हेलो, इसीलिए हम अपने आप को फाउंडेशन से मजबूत परमेश्वर के हाथ में देकर बनवाने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह ही एक अच्छा बिल्डर है। जीसस इज ओनली द बिल्डर हु कैन बिल्ड यू। होली स्पिरिट इज द ओनली बिल्डर हु कैन बिल्ड यू। और इटर्नल गॉड पिता परमेश्वर ही एक परमेश्वर है जो तुम्हें बना सकते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन। इसीलिए यीशु मसीह एक उदाहरण बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति घर बनाना चाहता है। दो व्यक्ति घर बनाए, कहां कहां बनाए? एक व्यक्ति बालू में घर बनाया, बालू के द्वारा घर बनाया, दूसरा व्यक्ति चट्टान पर। हेलो 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 हेलो, आर यू देयर? सब घर बनाना चाहते हैं, मगर घर कहां बना रहे हो? हेलो, दो कैटेगरी की घर है। एक बार मत्ती लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय को आएंगे, उसका 24वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24।
हेलो, जो कोई परमेश्वर की वचन को सुनता है, हु एवर हियर्स द वर्ड ऑफ गॉड, खाली सुनने से काफी नहीं, जस्ट हियरिंग इज नॉट ओके, यू हैव टू एक्ट, तुम्हें कुछ करना है, सुनी हुई वचनों के द्वारा क्या करना है, यू हैव टू एक्ट लाइक ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान एक्ट करना है, क्यों? हाँ, क्योंकि एक बुद्धिमानी व्यक्ति ही कुछ ना कुछ बना सकता है। हेलो, whoever hears my word of mine and acts on them is like a wise man, एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में। बुद्धिमान मतलब उस प्रयोग का अर्थ क्या है जानते हैं ना, भविष्य के बारे में चिंता करने वाला, नहीं तो दूरदृष्टि पाने वाला व्यक्ति, नहीं तो प्रैक्टिकली सोचने वाला व्यक्ति, नहीं तो बुद्धि के द्वारा चिंता करके रखने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति घर कहां पे बनाएगा? चट्टान के ऊपर बनाएगा। ही विल बिल्ड हिज हाउस ऑन द रॉक। हेलो, अब उसकी 26 पढ़ो। हेलो, सेकंड कैटेगरी के मनुष्य क्या है? वो परमेश्वर की वचन सुनता है मगर उसके ऊपर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता, नहीं तो उस चीज को वो प्रैक्टिकली लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो कहां पे घर बना रहा है? मुझे अद्भुत वाली चीज है, बालू में एक व्यक्ति घर कैसे बनाया होगा? हेलो, हाउ कैन ए मैन मेक हिज हाउस ऑन सैंड, बालू पर, रेती पर एक व्यक्ति घर कैसे बना सकता है? यो बोले नहीं, रेती पर एक व्यक्ति कैसे घर बना सकता है? मुश्किल है, मगर तो ये आदमी तो बनाया ना, बनाया कि नहीं बनाया, तो मुश्किल है, कैसे बोल सकते हो ये व्यक्ति बनाया कि नहीं, वही सोचना चाहिए, कैसे ये आदमी बनाया। हेलो, हाउ डिड दिस मैन मेक, हेलो, कैसा बनाया बताया नहीं गया है, मगर कहां बनाएगा, कहां बनाया, बालू। बालू में, अभी सोचो, बालू में घर बनाना है तो कैसा बनाना पड़ेगा, उसको बहुत फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, जल्दी काम हो जाएगा। हेलो, मरुभूमि में लोग कैसे निवास करते थे? तंबू बनाते थे। Am I right or wrong? मरुभूमि में निवास करते वक्त लोग क्या बनाते थे? तंबू बनाते थे। तंबू बनाने के लिए कितना समय लगता है? बस 5 सेकंड। चार पेग की जरूरत है। पेग मतलब वही आयरन बार्स, रस्सी और थोड़ा चमड़ा, बस उतने से काफी है। क्या बना सकते हैं? तंबू बना सकते हैं, मगर तंबू क्या नहीं हो सकते, टिक नहीं सकती, है ना? जोरों का बारिश हुआ तो क्या होगा, हा? गिरने की बात छोड़ो, जो पेग है ना, जो पेग, जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट पानी बहते बहते क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लूज हो गया तो क्या हो गया, उड़ जाएगा। उड़ जाने से क्या हो गया, घर नहीं रहेगा। घर बनाना इजी वे भी हो सकता है, डिफिकल्ट वे भी हो सकता है, मगर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, हर एक चीज को सोच समझ कर, भविष्य के बारे में सोच कर। इसलिए जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके हिसाब से एक्ट करता है। परमेश्वर की वचन क्या है? खुद यीशु मसीह है।
तो जो कोई यीशु मसीह को पाया है, यीशु मसीह की सुना है, तो यीशु मसीह को पूछे, परमेश्वर मैं कैसा मेरा घर बनाऊं, तो परमेश्वर उसको रेवलेशन देंगे, अरे पहले तेरा फाउंडेशन तो ठीक कर, फाउंडेशन में अच्छा बड़ा बड़ा पत्थर को यूज कर। कौन कौन इंफॉर्मेशन देगा? परमेश्वर खुद इंफॉर्मेशन देगा। द वर्ड ऑफ गॉड विल गिव यू इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर घर बनाएंगे, वो बहुत सालों लगेगा बनने के लिए, मगर टिके रहेगा। गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से इंफॉर्मेशन अगर तू पाकर तू कुछ बना रहा है, वो टिके रहेगा। हेलो हेलो हेलो। इसलिए वो व्यक्ति क्या किया, परमेश्वर का सुना, परमेश्वर का ज्ञान पाया। परमेश्वर का जब सुना, तब उसको क्या हुआ, काम करने की एक इच्छा लगा। हेलो। इसीलिए वो बुद्धिमान बना। मगर बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुनते हैं, मगर उसका वो लोग प्रैक्टिकली जब यूज नहीं करते हैं, वो कैसा बन रहा है, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन व्यक्ति कैसा करेगा, जो कोई भी काम करेगा जल्दी जल्दी। मगर ये दोनों व्यक्तियों का घर कॉस्ट इफेक्टिव था, कॉस्ट कम गनाया गया था किसका, बुद्धिहीन वाला व्यक्ति। मगर बुद्धिमान व्यक्ति क्या क्या, हर एक चीज को खर्चा करके करके प्रेशियस बना के, उसने क्या किया, बना के रखा हर एक चीज को, एक के ऊपर एक जुड़ित करते वक्त सोच कर समझ कर, परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर, वचन के हिसाब से बनाते 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 गया। फिर क्या हुआ जानते हो ना, परिस्थिति ऐसी आई कि क्या हुआ, आंधी बारिश आई, ऊपर से बारिश। हेलो। ऊपर से बारिश गिरने लगा, नीचे से पानी बहकर ऊपर उठकर आने लगा, और चारों ओर से हवा बहने लगी, ऊपर से बारिश, नीचे से पानी उठना लगा, और चारों ओर हवा बहने लगी। तीनों परिस्थिति, तीनों जगहों से थ्री डायमेंशनली क्या आ गया, सताव आ गया। हेलो हेलो हेलो। यहां पे परमेश्वर को धन्यवाद करना है। थ्री डायमेंशनली सताव आने लगा, जो बुद्धि पे आश्रय कर कर, नहीं तो परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके हिसाब से प्रैक्टिकल जीवन की शुरुआत की, बुद्धिमान बना, उसका घर गिरा नहीं, उसके घर के अंदर पानी घुसा नहीं, उसके घर का हवा का दबाव कुछ नहीं किया, उसका घर को बारिश का पानी कुछ नहीं कर सका, टिक सका घर। मगर बुद्धिहीन व्यक्ति का घर क्या हुआ, ऊपर से बारिश गिरते वक्त एक ऊपर से प्रेशर आ गया, नीचे से पानी का प्रेशर आते ही पानी बढ़ना शुरू हो गया, नीचे में जो पेग्स थी, जो क्या बोलते हैं, नेल्स लगा हुआ था, वो हिलना शुरू हो गया, और हवा बहना शुरू हो गया। क्या हो गया, वहां पे घर था या नहीं, उसका नामो निशान भी मिट गया। क्या हो गया, हाँ, निशान भी नहीं रहा। हेलो। इसलिए आज सोचो, तुम्हारा फाउंडेशन कहां पे, मसीह में है कि नहीं, तुम कलीसिया के अंदर फाउंडेशन में, मसीह का फाउंडेशन में आए हो कि नहीं, परमेश्वर के वचन के फाउंडेशन में बन रहे हो कि नहीं। बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, तेरे जीवन में प्रैक्टिकल बन, परमेश्वर की सुन, वचन की सुन, उसको प्रैक्टिकली काम कर, बुद्धिमान बन, कुछ बना के रख दिखाने के लिए कि मेरा परमेश्वर के बात, परमेश्वर का सुनकर मैंने इस चीज को बनाया है। वो है कलीसिया की फाउंडेशन, वो
फाउंडेशन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया होने के कारण, परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया कारण वो टिके रह सकता है। 3 डायमेंशनली क्या, 6 डायमेंशनली क्या, 8 डायमेंशनली क्या, समस्याओं के समस्या ऊपर आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टिका रहेगा, सालों टिका रहेगा, मजबूत रहेगा। इसीलिए सब परमेश्वर के सामने में समर्पण करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मुझे टिका रखो, आई वॉन्ट टू बी इन द फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह के ऊपर फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी इन द वर्ड ऑफ गॉड एज ए फाउंडेशन, परमेश्वर के वचन का फाउंडेशन में मुझे बनाए रख, मुझे जुड़ित रख। परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों से ध्यान करने के लिए, तेरे वचन को पूरी तरीके से परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर हमें सहायता दिया, इसलिए धन्यवाद। आज कलीसिया के बारे में सुना, कलीसिया की शुरुआत परमेश्वर है, कलीसिया परमेश्वर की है, पर कलीसिया के अंदर लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर है, कलीसिया के फाउंडेशन परमेश्वर है, कलीसिया का फाउंडेशन परमेश्वर के वचन के आधारित है। परमेश्वर हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान परमेश्वर को वचन को सुनकर एक्टिंग अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के हिसाब से काम करके बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे, प्रैक्टिकली काम चीज़ों को करेंगे। परमेश्वर वह भविष्य के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनकर हमारे जीवन को केंद्रित करके बनाइए बोलकर प्रार्थना करता हूं। सालों सालों तक टिके रहने वाले व्यक्ति के समान रैप्चर के लिए तैयार रहेंगे, लेट मी बी रेडी फॉर द रैप्चर लॉर्ड। तब तक हम बने रहने के लिए हमें सहायता दीजिए, कलीसिया के साथ जुड़ित रहने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया।